हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस। सभी बैंक पीओ और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए इस तरह के क्वेश्चंस इस समय काफ़ी कॉमनली पूछे जा रहे हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स में। हालांकि ये स्पॉटिंग एरर के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इन क्वेश्चंस को सक्सेसफुली करने के लिए और एक्यूरेटली करने के लिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्जामिनेशन हॉल में और टेस्ट सीरीज़ करते समय इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पर जो डायरेक्शन दिया गया है, इसको आप पूरा पढ़ें और ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या इसमें पूछा गया है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करना शुरू करें। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। इन ईच क्वेश्चन देर आर फाइव सेंटेंसेस और पार्ट ऑफ सेंटेंसेस दैट फॉर्म अ पैराग्राफ। आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस और पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट इज आर करेक्ट इन टर्म ऑफ ग्रामर एंड यूसेस इंक्लूडिंग स्पेलिंग पंक्चुएशन एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी। यानी इसमें आपको पांच जो पार्ट दिए हैं, जैसे ये ए बी सी डी और ई, इन पांचों पार्ट में से जो पार्ट करेक्ट हैं स्पेलिंग के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, उन पार्ट को पिक करना है और वही पार्ट आपका आंसर बनेंगे इसमें। सपोज आपका बी पार्ट बिल्कुल सही है तो आपका आंसर होगा बी ओनली। यदि बी और सी सही है तो आपका आंसर होगा बी बी एंड सी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इन सेंटेंसेस को। इन 1849 अ पुअर बेवेरियन इमिग्रेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि स्पेलिंग भी आपको चेक करना है। इमिग्रेंट की स्पेलिंग गलत है तो ये पार्ट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंडेड इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। लैंडेड इन का मतलब है कि वहाँ पर वो पहुँचे, और सैन फ्रांसिस्को एक बड़ी सिटी है, बड़ा एरिया है, तो इसमें इन हम लगा सकते हैं। तो इसमें बी पार्ट जो है, सॉरी बी पार्ट जो है ये सही है इसमें। और एट द इन्विटेशन ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ, यहाँ पर इसमें इन्वर्टेड कॉमाज आना चाहिए ब्रदर इन लॉ के बाद। या तो आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे या फिर इसमें इन्वर्टेड कॉमाज लगाएंगे, क्योंकि ये पैरेंथेटिकल है। तो इसमें सी आपका गलत हो गया। ठीक है, ए आपका गलत हो गया, सी आपका गलत हो गया, बी इसमें सही है। ओनर ऑफ ड्राई गुड बिजनेस। देखिए ड्राई गुड बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, एक नाउन है, ड्राई गुड एक एडजेक्टिव है, और नाउन और एडजेक्टिव की कॉम्बिनेशन से पहले यहाँ पर आपको एक आर्टिकल इसमें डिटरमिनर आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए ये गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। और दिस ड्राई गुड्स बिजनेस वुड लेटर बिकेम, वुड के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो आपका ये पार्ट भी गलत हो गया। यानी इसमें आपका केवल बी पार्ट जो है वो ग्रामेटिकली और हर तरह से सही है, और आपका इसमें आंसर होगा ए यानी बी ओनली। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द एलिगेशंस एंड कंडेमनेशंस पावरिंग इन, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस आ रहे थे और कंडेमनेशंस आ रहे थे, मतलब उनकी जो बुराई की जा रही थी, जो अटैक किए जा रहे थे, और ये काफ़ी संख्या में आ रहे थे। पावरिंग इन मतलब उनके ऊपर जो अटैक हो रहा था वो काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा था। ठीक है, तो पावरिंग इन का प्रयोग सही है, यानी ए जो सेंटेंस है इसमें सही है। नाइकी इम्प्लीमेंटेड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चेंजेस इन देयर, देयर नहीं आएगा इसमें क्योंकि नाइकी एक सिंगल कंपनी है, इट्स आएगा, बी गलत हो गया आपका। परहैप्स सेंसिंग द राइजिंग टाइड ऑफ लेबर कंसर्न्स फ्रॉम द पब्लिक, लेबर कंसर्न्स फ्रॉम द पब्लिक, लेकिन लेबर कंसर्न्स के बाद कॉमा नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। फ्रॉम द पब्लिक वुड बिकम अ प्रोमिनेंट मीडिया इशूज, ये सही है। नाइकी शाउट टू बी इंडस्ट्री से पहले यहाँ पर एन आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसमें आपका ए और डी सही है, और आपका आंसर होगा इसमें डी। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चार्जेस एंड काउंटर चेंजेस मीन नथिंग, इसमें दो चीज़ें हैं, एक चार्जेस और एक काउंटर चार्जेस। और जब दो चीज़ें होती हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं, तो वर्ब में हम एस नहीं लगाते, क्योंकि वर्ब में हम एस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, तो इसलिए मीन जो है यहाँ पर ये सही है। ठीक है, तो ए पार्ट जो है ये आपका सही है। टू द फ्यू मिलियन, यहाँ पर देखिए फ्यू काउंटेबल होता है इसलिए मिलियंस होना चाहिए यहाँ पर, तो बी आपका गलत हो गया। ठीक है, बी आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं, द नाइटमेयर इज़ फार फ्रॉम ओवर फॉर द गवर्नमेंट, ये सही है।
स्टिल अनेबल टू रीच हंड्रेड्स हु आर मैरून्ड, ये भी सही है। द डेथ काउंट, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ होना चाहिए। तो इसमें ए सी और डी ये सेंटेंस सही हैं आपके, तो इसमें आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई डिड नॉट नो वॉट टू मेक ऑफ यू, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं आपके बिहेवियर से क्या अंदाज़ा लगाऊं। डिड नॉट के बाद नो लगा है फर्स्ट फॉर्म, ये सही है। वॉट टू मेक ऑफ यू कहना सही है, ए सेंटेंस सही है। बिकॉज यू हैड लिव्ड इन इंडिया, देखिए यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। आई डिड नॉट नो यू हैड लिव्ड इन इंडिया, आई एसोसिएटेड यू होना चाहिए, तो ये पार्ट आपका गलत हो गया। एंड येट यू वर अनलाइक माई कजिन्स इन कलकत्ता, हु यहाँ पर सीम्ड होना चाहिए, सीम्ड सो इनोसेंट, ये पास्ट में है तो इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो गया। यू वर नॉट क्यूरियस अबाउट मी इन द लीस्ट, आप मेरे बारे में क्यूरियस नहीं थे, बिल्कुल भी मेरे बारे में क्यूरियस नहीं थे। इन द लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो ए सेंटेंस सही है, डी सही है, इसमें डी सही है। यू वर नॉट क्यूरियस अबाउट मी इन द लीस्ट ऑल्दो यू डिड मेक एफर्ट टू मीट मी। यहाँ पर देखिए ऑल्दो का मतलब क्या होता है, ऑल्दो का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, इस फैक्ट के बावजूद। तो ऑल्दो एक्चुअली यहाँ पर लगना चाहिए, ऑल्दो यू वर नॉट क्यूरियस अबाउट मी इन द लीस्ट, मतलब इस फैक्ट के बावजूद कि आप मेरे बारे में क्यूरियस नहीं थे, यू डिड मेक एफर्ट टू मीट मी, यानी ऑल्दो का प्रयोग यहाँ पर गलत तरीके से हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हाउ एवर का प्रयोग आप कर सकते हैं, हाउ एवर यू डिड मेक एफर्ट टू मीट मी, हाउ एवर के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। ठीक है, ऑल्दो का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, तो ऑल्दो डी में लगना चाहिए, एक्चुअली ई में ये गलत तरीके से लगा हुआ है, इसलिए ई भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका ए एंड डी आपका सही है। आई डिड नॉट नो वॉट टू मेक ऑफ यू, यू वर नॉट क्यूरियस अबाउट मी इन द लीस्ट, ए और डी इसमें बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर होगा इसमें ई। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। रिलेशनशिप्स आर इम्प्रूविंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड लीविया, रिलेशनशिप्स के बाद आर लगा है तो ये सही है, इम्प्रूविंग सही है, बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स के पहले दा लगा है तो ये सही है, एंड लीविया तो फर्स्ट सेंटेंस आपका सही है इसमें। प्रेसिडेंट बुश टेलीफोन द लीवियन लीडर कर्नल गद्दाफी, ये भी सही है इसमें। ऑन मंडे आफ्टर लीविया, नहीं ये गलत है इसमें, एक्चुअली जब टेलीफोन्ड पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट जो है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट जो है इससे पहले हमें यहाँ पर आर्टिकल लगाना चाहिए, एक टू द स्टेट डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है टू द स्टेट डिपार्टमेंट, इसलिए यहाँ पर दा चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर अप टेररिज्म रिलेटेड क्लेम्स फ्रॉम बॉम्बिंग्स एंड हाईजैक्स ड्यूरिंग द 1980s, देखिए 1980s में यहाँ पर ये अपोस्ट्रफी जो एस लगा है ये गलत है, 1980s में केवल एस ही लगेगा, ठीक है, अपोस्ट्रफी एस नहीं लगेगा, तो ये सेंटेंस भी आपका गलत हो गया, यानी इसमें केवल ए और बी आपके सही हैं, आपका आंसर होगा ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है, और बैंक पीओ मेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछे जाएंगे। इसमें मैंने 5 ही क्वेश्चन दिए हैं, और आप सजेस्ट करें, आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिख के कि इस तरह के क्वेश्चंस में कितने करवाऊँ आपको। इस तरह के क्वेश्चंस मैं अपने ई कोर्स में 50-50 क्वेश्चन करवाता हूँ एक एक वीडियो क्लास में, और यदि आप निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में या एसएससी एग्ज़ाम में, तो आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करके आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं किसी भी बैंक पीओ, एसएससी और बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है, और मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग का नंबर भी है, तो इन नंबर्स के थ्रू आप मुझसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यदि आपकी कोई भी क्वेरी है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।